सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है ईडीडीई सेकंड, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस सब्जेक्ट का कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है सॉकेट कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों मैनुअली सॉकेट दो प्रकार से होते हैं, पहला है 5 एम्पियर सॉकेट और दूसरा है 15 एम्पियर सॉकेट। दोस्तों वैसे तो सॉकेट कई एम्पियर की आती है, लेकिन दोस्तों मैनुअली ज्यादातर प्रयोग 5 एम्पियर और 15 एम्पियर सॉकेट का किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब हमको जानना है कि 5 एम्पियर सॉकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है और 15 एम्पीयर सॉकेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों 5 एम्पीयर की सॉकेट में मैक्सिमम लोड 100 वाट तक दे सकते हैं और 15 एम्पीयर की सॉकेट पे हम मैक्सिमम लोड 1000 वाट तक दे सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि 5 एम्पीयर की सॉकेट में कितनी लोड दे सकते हैं और 15 एम्पीयर की सॉकेट में कितना लोड दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा है, हमारे घरों में सप्लाई कैसे आती है इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से डायग्राम बनाकर समझाया हूँ। सबसे पहले हमारा लाइट मेन स्विच में आता है, उसके बाद हमारा मेन स्विच से लाइट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में लाइट आती है, उसके बाद हमारा अब यहाँ से हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है। तो इस तरह से हमारे घरों में सप्लाई आती है, आप देख लीजिए समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीज़ें कंपनी में अगर आप जाएंगे पॉलिटेक्निक करने के बाद, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू होगा तो भी आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाएंगी कि 5 एम्पीयर की सर्किट में मैक्सिमम कितना हम लोड दे सकते हैं, 15 एम्पीयर के सर्किट में हम कितना मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप कहीं भी जाएंगे अगर इंटरव्यू के लिए तो आपसे ये छोटी छोटी चीजें बेसिकली आपसे यही सब पूछे जाएंगे कि बल्ब कितने वाट का होता है, ट्यूबलाइट कितने वाट का होता है, 5 एम्पीयर की सर्किट, 15 एम्पीयर की सर्किट, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं आपके बेसिकली इलेक्ट्रिकल के पार्ट में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सर्किट को कैसे बांटे जाते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाइट फैन सर्किट को अलग बांटते हैं और पावर सर्किट को अलग बांटते हैं। तो यहाँ पर लाइट फैन सर्किट के अंदर लाइट पॉइंट फैन 5 एम्पीयर की सॉकेट की प्रयोग किया जाता है, और वहीं कहीं आपका पावर सर्किट लगा होगा तो इसमें केवल 15 एम्पीयर का सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये घर के वायरिंग में प्रयोग की जाने वाली इंस्ट्रूमेंट है, जो आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछेगा बल्ब कितने वाट का होता है, अगर हमें इंटरनल वायरिंग में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है या फिर हमें कोई इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ भी अगर ये सब चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी तो आप यही बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा बल्ब कितने वाट का मैनुअली होते हैं तो आप 60 वाट बताएंगे। अगर ट्यूबलाइट पूछेगा ट्यूबलाइट कितने वाट का होता है तो आप 40 वाट बताएंगे। अगर फैन पूछेगा तो फैन 60 वाट का होता है। और 5 एम्पीयर की सर्किट मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है तो 100 वाट, और 15 एम्पीयर की सर्किट आपका मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है तो 1000 वाट ये ले सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी, ये आपके सारे जगह काम आएंगे अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आपके ये कुछ टॉपिक है, जो आप इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि GI तार क्या होता है, PVC क्या होता है, AAC क्या होता है, SWG क्या होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तभी आप इजी तरीके से अपने इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला है PVC क्या होता है। तो दोस्तों PVC जो होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद GI तार, GI क्या होता है, GI आपका गैल्वेनाइज आइस होता है। उसके बाद AAC क्या होता है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। उसके बाद SWG क्या होता है, SWG आपका स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, तो आपको ये सब चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, एक 5 एम्पीयर की सॉकेट पर 100 वाट से लोड अधिक नहीं दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया हूं पावर सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं और उसका लोड 3000 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, फेज को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में ले जाते हैं, मैंने इसी चीज को आपको पीछे डायग्राम की सहायता से बताया हूं। यहां पे कह रहा है कि फेज को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में ले जाते हैं। अब स्विच बोर्ड से सभी बिजली दी जाती है घरों में, हमारे घरों में सारे सप्लाई स्विच बोर्ड से ही आती है, लेकिन सबसे पहले मैंने यहां पे आपको बताया हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारी सप्लाई जो आती है मेन स्विच में आती है, उसके बाद हमारी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारी सप्लाई स्विच बोर्ड में आती है, स्विच बोर्ड के बाद हमारे घरों में जो सप्लाई
दी जाती हैं, पंखा वगैरह लगाए जाते हैं, टीवी वगैरह, वो सब हमारे स्विच बोर्ड से ही सप्लाई दी जाती है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, स्विच बोर्ड दरवाजे से आधा मीटर पीछे लगाते हैं। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी घर में स्विच बोर्ड लगाते हैं, अगर बगल में दरवाजा है तो आप वहाँ नहीं लगा सकते हैं। दरवाजे से आपकी जो मिनिमम दूरी होगी वो आधा मीटर दूरी आप लेकर आप स्विच बोर्ड को लगाएंगे। उसको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अगर पॉइंट 10 से ज़्यादा है या लोड 800 वाट से ज़्यादा है तब हम नए सर्किट बनाएंगे। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि एक बोर्ड में हम मैक्सिमम 800 वाट तक दे सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो हम एक नए सर्किट बनाएंगे और उसमें हम उसको लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इंटरनल वायरिंग एंड हाउस वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ बेसिक सिंबल जो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ें आपके कंपनी वगैरह में भी पूछे जाते हैं और आपके ईडीडी सेकेंड एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं ऐसे अगर कहीं सिंबल देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये बल्ब का सिंबल है। उसके बाद है सीलिंग फैन का सिंबल, अगर आप कहीं भी ऐसे देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये सीलिंग फैन का सिंबल है या फैन का सिंबल है, आप इस तरह से देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। उसके बाद ट्यूबलाइट का सिंबल आपका कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं कहीं भी अगर आप ट्यूबलाइट ऐसे देखेंगे, क्योंकि डीडी सेकंड में आपका अधिकतर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्यूबलाइट आपके इंटरनल वायरिंग में, ट्यूबलाइट, फैन, सीलिंग फैन, बल्ब, ये सब चीज़ें लगाकर आपका क्वेश्चन पूछ देगा और वायरिंग करने के लिए कह देगा, आपका उसका रेशियो निकाल के बताना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अगर ऐसे डब्बा बनाकर डीवी लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिंबल है। उसके बाद हमारा ऐसे डब्बा बनाकर एचडीबी लिखा रहेगा तो आप ये समझ जाएंगे कि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिंबल है। उसके बाद अगर ऐसे डब्बा बनाकर एसबी लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे स्विच बोर्ड का ये सिंबल है। उसके बाद दोस्तों ऐसे गोला बनाकर ऐसे दो अंडरलाइन दिया रहेगा तो आप इसको समझ जाएंगे जो आपके घर में मीटर लगा होता है जिसमें लाइन की सप्लाई की वोल्टेज बताती है, कितनी वोल्टेज हमारे घर में आ रही है और कितनी बिजली की खपत हो रही है, ये सब सारी चीज़ें आपके मीटर या एनर्जी मीटर भी इसे कहते हैं। तो इसका सिंबल आपका ऐसे बनेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो हमारा है निकास पंखा आपने देखा होगा कहीं किचन वगैरह में या फिर जहाँ गर्म हवा आती है वहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका मैनुअली काम यही होता है कि ये गर्म हवा को ऑब्जर्व करके बाहर निकालता है, तो इसका निकास पंखा का काम यही होता है। तो आप ये देखिए कि निकास पंखा का सिंबल ऐसे दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंबल निकास पंखा का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दाब स्विच, यानी इसे पुश बटन कहते हैं, अगर आपका ऐसे दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पुश बटन यानी दाब स्विच का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंबल है पंखा रेगुलेटर, अगर आपका कुछ इस तरह से बना रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये पंखा रेगुलेटर का सिंबल है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है मुख्य स्विच, इसे मेन स्विच एमसीबी भी कहते हैं, अगर आप देख लीजिए अगर आपका कुछ ऐसे सिंबल बना रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये मुख्य स्विच यानी मेन स्विच एमसीबी का सिंबल है, तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल बेल यानी कि विद्युत घंटी, अगर आप ऐसे कुछ सिंबल देखेंगे घंटी की तरह, ये विद्युत घंटी की सिंबल है, इसे इलेक्ट्रिकल बेल भी कहते हैं। उसके बाद हमारा 5 एम्पियर सॉकेट का सिंबल आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये सिंगल लाइन रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये 5 एम्पियर की सॉकेट है, और अगर यहां पे डबल लाइन रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये 15 एम्पियर की सॉकेट है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा वो है जल रोधक बल्ब बिंदु, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से सिंबल बनेगा जल रोधक बल्ब बिंदु का, तो आप समझ जाएंगे कि ये जल रोधक बल्ब बिंदु का सिंबल है, ऐसे आपका बना रहेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रकाश पंखा परिपथ मुख्य स्विच एमसीबी, इसका सिंबल आपका कुछ इस तरह से बना रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रकाश पंखा परिपथ मुख्य स्विच एमसीबी का सिंबल है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है शक्ति परिपथ मुख्य स्विच, इसका सिंबल भी कुछ इसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये थोड़ा चौड़ा होगा, ये थोड़ा पतला होगा, तो आप इसमें ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया हूँ। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन और आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।